हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज का ये वीडियो स्टैक विजिट के ऊपर होने वाला है। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने दो मल्टी चाइल्ड विजिट्स को देखे थे, जो कि था रो और कॉलम। सिमिलरली स्टैक भी एक मल्टी चाइल्ड विजिट है, जिसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड विजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो रो और कॉलम के अंदर जितने भी चाइल्ड विजिट हम यूज़ करते थे वो हमको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दिखते थे, लेकिन ये स्टैक विजिट के अंदर जितने भी हम चाइल्ड विजिट डालेंगे वो सभी हमको एक दूसरे के ऊपर दिखने वाले हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टैक विजिट का यूज़ करके हम लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक लेयर में एक एक एलिमेंट होगा जो कि हमको एक दूसरे के ऊपर दिखेगा। अब बहुत टाइम हमको एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल एलिमेंट्स दिखाने पड़ते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो उस टाइम पे हम रो कॉलम के बजाय स्टैक विजिट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैक विजिट का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो हमको स्क्रीन के एकदम नीचे देखने को मिलता है। यानी कि जो लेयर्स बनते हैं स्क्रीन के ऊपर, उन लेयर्स में एकदम बॉटम पोजिशन होता है फर्स्ट चाइल्ड विजिट का। और स्टैक का जो लास्ट विजिट होता है वो हमको एकदम फर्स्ट में देखने को मिलता है। अभी स्टैक विजिट के अंदर हमको मल्टीपल चिल्ड्रेन विजिट्स देखने को मिलते हैं, और इनके टाइप्स की बात करें तो हमको मेनली दो टाइप के विजिट्स देखने को मिलते हैं स्टैक के अंदर। फर्स्ट टाइप है पोजिशनड विजिट और सेकेंड टाइप है नॉन पोजिशनड विजिट। तो जैसे कि स्टैक एक विजिट है, सिमिलरली ये पोजिशनड जो है ये एक विजिट है जो कि हमको फ्लटर में देखने को मिलता है। अब इस वाले पोजिशनड विजिट के अंदर जो चाइल्ड्स रैप होते हैं उनको हम पोजिशनड विजिट कहते हैं, और जो चाइल्ड्स पोजीशन विजिट और अलाइन विजिट के साथ रैप नहीं होते उनको हम नॉन पोजीशन विजिट कहते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं ये पोजीशन विजिट आखिर होता क्या है। तो पोजीशन विजिट के अंदर जो चाइल्ड विजिट हम यूज़ करते हैं, यानी कि जिस विजिट को हम पोजीशन विजिट से रैप करेंगे वो विजिट का पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके पैरामीटर्स की बात करें तो दो कॉम्बिनेशन में इसका पैरामीटर हमको देखने को मिलता है, एक है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजेंटल। तो वर्टिकली में हमको तीन पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, टॉप, बॉटम और हाइट, और वहीं हॉरिजेंटल में हमको तीन पैरामीटर देखने को मिलते हैं, लेफ्ट, राइट और विड्थ। अब इसके अलावा बिना पोजीशन विजिट यूज़ किए हुए हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन दे सकते हैं अलाइन विजिट का यूज़ करके। तो इसको हम कोड में समझेंगे, तो फिलहाल अभी देखते हैं नॉन पोजीशन विजिट को। तो जिन विजिट्स को हम अलाइन और पोजीशन विजिट का यूज़ करके रैप नहीं करते हैं उन सभी को हम कहते हैं नॉन पोजीशन विजिट। तो इनका कोई भी पोजीशन नहीं होता, यानी कि कोई भी यूज़र डिफाइंड पोजीशन नहीं होता इनका। तो इनको जैसे ही हम कोड में डिफाइन करते हैं ऑटोमेटिक ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपना पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। अब अगर स्टैक के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमको स्टैक में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा होगा ओवरफ्लो। तो फिलहाल फ्लटर के न्यू वर्जन के ऊपर ओवरफ्लो का सपोर्ट रिमूव कर दिया गया है, यानी कि ये प्रॉपर्टी अब हमको स्टैक के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो इसको रिप्लेस करके एक और नया प्रॉपर्टी लाया गया है जो कि है क्लिप बिहेवियर। ये भी ओवरफ्लो के जैसा ही काम करता है। तो आइए प्रैक्टिकली स्टैक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर लिया है एक सेंटर विजिट, और सेंटर के अंदर है कंटेनर, और कंटेनर का चाइल्ड विजिट है स्टैक। अब स्टैक के अंदर हम एक चिल्ड्रन लेंगे, और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पर मल्टीपल चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़ इसका यूज़ करने वाले हैं। तो पहले एक कंटेनर बना लेते हैं, और यहाँ पे कंटेनर का हाइट और विथ सेट कर देते हैं। हाइट देते हैं इसका 250, सिमिलरली इसका विथ भी दे देते हैं 250। अब इस कंटेनर का एक कलर दे देते हैं, टील एसेंट। अब करते हैं इसको रन। तो ये देखिए हमारा पहला स्टैक का जो चाइल्ड एलिमेंट है कंटेनर वो बन चुका है। अब सिमिलरली एक और कंटेनर यहाँ पे बनाते हैं, तो इसका हम हाइट रख देंगे 200 और विथ भी रख देंगे 200, और यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज कर देंगे, इसको कर देते हैं लाइम एसेंट। करते हैं रन, और यहाँ पर देखिए सेकेंड कंटेनर आ चुका है। अब एक और कंटेनर बनाते हैं यहाँ पे, और इसको करते हैं 150। करते हैं इसको रन, तो ये देखिए तीसरा कंटेनर भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसका कलर फिलहाल हम चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं ब्लू एसेंट। तो कुछ इस तरह से देखिए हमको तीनों कंटेनर दिख रहा है जो कि हमारे स्टैक का तीन चाइल्ड एलिमेंट है। तो फिलहाल ये जो तीन कंटेनर है ये नॉन पोजिशन विजिट है, तो इसीलिए हमको ये मेन कंटेनर का टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टैक के अंदर पहला इसका प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम देंगे अलाइनमेंट,
और डॉट देके यहाँ पे इसको कर देते हैं बॉटम लेफ्ट कर देते हैं, करते हैं इसको रन। तो यहाँ पर देखिए सभी एलिमेंट हमको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, तो सेंटर करके इसको करते हैं रन। अब देखिए ये कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। फिलहाल अलाइनमेंट को करते हैं डिलीट और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है फिट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं स्टैक फिट और डॉट देके यहाँ पे एक्सपैंड लूज और पास थ्रू, इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपैंड करने से ये जो तीनों एलिमेंट्स है हमारे ऐप के अंदर, ये तीनों एक्सपैंड हो जाएंगी, यानी कि स्टैक का ये तीनों कंटेनर एक्सपैंड हो जाते हैं। तो फिलहाल हम इसको करते हैं एक्सपैंड, करते हैं रन। तो यहाँ पर देखिए सभी जो स्टैक के एलिमेंट्स थे वो एक्सपैंड हो गए हैं पूरे स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर एक्सपैंड हो चुके हैं, तो इसीलिए हमको इसके पीछे के जो एलिमेंट्स हैं वो दिख नहीं रहे हैं। अब सिमिलरली हम यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, सपोज़ इसको फ़िलहाल मैं डिलीट करता हूँ फिट प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेते हैं इस कंटेनर के बाद हेलो, करते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देखिए हेलो जो टेक्स्ट है ये हमको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल रहा है। अब इसके पोजीशन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो हम स्टैक के यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, डॉट देके इसको कर देते हैं RTL, करते हैं रन। तो यहाँ पर देखिए सभी कुछ हमको राइट टू लेफ्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस वाले प्रॉपर्टी को करते हैं डिलीट और यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी करते हैं डिलीट। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोजिशन विजिट को, तो इस वाले कंटेनर को हम पोजिशन विजिट के साथ रैप कर देंगे। तो हम करेंगे इसको रैप विथ विजिट और यहाँ पे कर देंगे इसको पोजिशन। तो ये हो गया पोजिशन विजिट। यहाँ पे इस चाइल्ड को कर देते हैं डिलीट, तो ये बन गया हमारा पोजिशन विजिट। अब इस वाले कंटेनर को हमने पोजिशन विजिट के अंदर रैप किया है, तो इसीलिए ये कंटेनर बन गया है पोजिशन विजिट। अब यहाँ पे इस वाले कंटेनर विजिट का अगर हम एक स्पेसिफिक पोजीशन सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो पोजीशन विजिट है इसका प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कि है बॉटम और राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, तो फिलहाल हम इसको बॉटम राइट कॉर्नर में अलाइन करेंगे, तो इसीलिए हम बॉटम और राइट वाले प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉटम को कर देते हैं 0 और राइट को भी कर देते हैं 0। तो 0 यानी कि ये हमको एकदम जो ऐप का एज होगा, यानी कि बॉटम एज और राइट एज, उस एज पर हमको ये कंटेनर दिखने वाला है। तो इसको करते हैं रन। तो यहाँ पर देखिए ये हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब अगर हम चाहते हैं जे इस वाले कंटेनर के बाहर हमको ये दिखे, तो उस केस में हम इसके वैल्यू को माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस सपोज कर देते हैं 15 और राइट को कर देते हैं -25। अब इसको करते हैं रन। तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ उतना चेंजेस दिखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पोर्सन है वो हमको दिख नहीं रहा है। तो अगर हम उसको दिखाना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हम क्लिप बिहेवियर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं स्टैक का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिप बिहेवियर, फिर देंगे यहाँ पे क्लिप और डॉट देके यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नॉन कर देंगे और करते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमको अब दिख रहा है। अब सिमिलरली इसको हम और भी इंक्रीज़ कर देते हैं, सपोज इसको 150 करते हैं और इसको कर देते हैं 100 और रन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कंटेनर और भी बाहर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं पोजीशन विजिट का यूज़ करके। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, हमने स्टैक विजिट को देखा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।